हे गाइस व्हाट्स अप दोस्तों, आज जो ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे ये है सोशल वेलबींग। ठीक है, सोशल वेलबींग का पहले मतलब समझते हैं, है ना। देखिए, सोशल मतलब सामाजिक, आप समाज में कैसे रहते हो, है ना। और वेलबींग मतलब आपका रहन सहन, मतलब आराम से आप स्मूथली, है ना, आपको कोई जिससे प्रॉब्लम ना हो, तो आपका सोशल समाज में वेलबींग कैसे हो सकता है, उसी के बारे में ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपिक है, है ना। तो चलिए देख लेते हैं सोशल वेलबींग को। पहले एक बहुत अच्छे तरीके से इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, और इसका डेफिनेशन में है लिखा हुआ है, सोशल वेलबींग इज अ सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ सोशल क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब आप लोग सोसाइटी में जो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है उसका एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है। मैं इसमें आपको डिफरेंस देकर बताना चाहता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, एक गाँव ले लीजिए और एक शहर ले लीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव एनालिसिस बोल रहा है, लेकिन सोशल वेलबींग मतलब एक गांव के इंसान के लिए उसके पास अगर पक्का का घर हो और मोटरसाइकिल हो तो ही उसका सोशल वेलबींग बहुत अच्छा है। बट वहीं पर अगर शहर का बंदा है, उसके पास मर्सिडीज होकर भी सोशल वेलबींग अच्छा नहीं है उसका, ठीक है। मतलब डिफरेंस बोल रहा है दैट गाँव का सोशल वेलबींग अलग होगा गाँव के लोगों का, है ना, पहाड़ के लोगों का अलग होगा, वहीं पर प्लेन के लोगों का अलग होगा, या फिर शहर के लोगों का अलग होगा, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है, वहां के लोग अगर खुश हैं तो मतलब दे आर इन सोशल वेलबींग, है ना। अगर किसी के जगह का लोग खुश नहीं है मतलब उनका सोशल वेलबींग सही नहीं है। सोशल वेलबींग फिर डिफाइन फैक्टर जो डायरेक्टली डिपेंड करता है वो दोस्तों क्वालिटी ऑफ लाइफ में। अच्छा, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अलग एक टॉपिक है जो क्या मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है फॉर्म में, तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो नीचे में जो ऑप्शंस के मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आराम से उस लिंक में जाइए, वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छे से लिखा हुआ है, सोशल वेलबींग का भी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, और भी जितने सारे ह्यूमन ज्योग्राफीज के सारे टॉपिक धीरे धीरे सब कुछ कवर अप हो रहे हैं ना, और ऑलमोस्ट 90% हो भी गए हैं, ठीक है। तो जाकर आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो एनीवेज, इट इंक्लूड्स मतलब अब सोशल वेलबींग आप समझ गए क्या है, ये बेसिकली पूरा एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है आपके सोशल क्वालिटी ऑफ लाइफ का। अच्छा, वो किस किस पैरामीटर्स में आप डिफाइन कर सकते हो सोशल वेलबींग, वो देख लो। हाई लिविंग स्टैंडर्ड, आपका लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाएगा। अगर लिविंग स्टैंडर्ड आपका हाई है तो रिस्पेक्टिवली सोशल वेलबींग अच्छा होने का कंसिडर्ड है, है ना। और ये हाई लिविंग स्टैंडर्ड भी सब्जेक्टिव टर्म हो गया, लेकिन गाँव के लिए हाई लिविंग स्टैंडर्ड मर्सिडीज होना नहीं होता है। गांव में कोई लोगों के पास मर्सिडीज नहीं रहता है, उनके पास नॉर्मल एक बुलेट रहने से ही बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया है ना। पक्के का घर, है ना, बुलेट और या फिर नॉर्मल जो एमिनिटीज होने चाहिए वो सब अगर एमिनिटीज है मतलब गांव में आप बहुत सुखी से रह सकते हो। वही चीज अगर आपके पास शहर में रहेगा तो आप सुख से नहीं रह पाओगे, है ना। तो यही बोला गया था, अगर आप एडुकेशन या फिर स्किल डेवलपमेंट के फैक्टर्स भी इनहांस मतलब कंड्यूसिव है, देन ऑल्सो आप जिस रीजन में रह रहे हो देन दैट विल बी सोशल वेलबींग। एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों एडुकेशन को रिलेटेड। से फॉर एग्जाम्पल, आप एडुकेटेड हो, आपके सोसाइटी एडुकेटेड हो, है ना, तो आपकी सोसाइटी अच्छे सोशल वेलबींग कंडीशन में है। इसका मतलब बाय चांस अगर कोई डेवलपमेंटल वर्क, छोटे मोटे डेवलपमेंटल वर्क के लिए अगर वहां के सोचिए आपका सोसाइटी में पेड़ लगे हुए हो, तो आपकी सोसाइटी कभी भी अलाउ नहीं करेगी सरकार को दैट आप वो पेड़ काट दे, क्योंकि आपको पता है वो पेड़ अगर रहेगा वहां पर तो हमारे बच्चे स्वच्छ हवा का आनंद उठा सकते हैं, हम लोग स्वच्छ हवा का आनंद उठा सकते हैं, ठीक है। पेड़ का इंपॉर्टेंस आपको पता होगा, आप यू नो डेवलपमेंटल वर्क को साइड में रखकर इन्वायरमेंट को ज्यादा तवज्जो दोगे, क्योंकि आप एडुकेटेड इंसान हो, मतलब आपको पता है दैट सोशल, अगर हमको हमारा सेहत अगर अच्छे रहना है तो हमें पेड़ पौधा होना बिल्कुल अनिवार्य है, समझ रहे बात। मतलब आपको पता है दैट हाँ चलो मेरा सोशल वेलबींग, तो मतलब आपकी जो सोसाइटी है दैट इज सोशल वेलबींग रीजन, राइट। बट वहीं पर अगर कोई बहुत अमीर है बट स्टिल यू नो वो अनएडुकेटेड है, तो वो तो सोचेगा चलो भाई डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है अच्छा है काट दो, है ना। बट उसको वो नहीं देख रहा है बाद में फ्यूचर रिपरकशंस उसके क्या पड़ेंगे, उनके बच्चों के हेल्थ पर, उनके हेल्थ पर, समझ रहे बात। मतलब आप सोशल वेलबींग आप खुद ही बन सकते हो, सिर्फ आपके पास कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, जैसे एडुकेशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सोशल सिक्योरिटी ले लीजिए दोस्तों, अगर आप सोशली सिक्योर नहीं हो, आपको फील होता है यार अब मेरी बहन बेटी को यूरो बाहर में अगर रात को मेडिसिन खरीदने के लिए भी बाहर भेजू या फिर कुछ बाहर में खरीदने के लिए भेजू, तो यू नो दैट इज नॉट यू नो द प्लेस इज नॉट कंड्यूसिव, दैट प्लेस इज नॉट सेफेस्ट फॉर दोज गर्ल्स एंड मतलब बहन बेटियों के लिए, देन दैट रीजन विल नॉट बी सोशल वेलबींग रीजन, ठीक है। यही है कुछ कुछ फैक्टर्स है सोशल वेलबींग के, साथ ही साथ गुड लिविंग कंडीशन जो क्या मैंने गांव और शहर वाला एग्जांपल ले ही लिया आपके पास, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल कैपिटल एक बहुत अच्छा फैक्टर है जिससे कि आप सोशल वेलबींग डिफाइन कर सकते हो दोस्तों। सोशल कैपिटल क्या होता है, आपके कनेक्शंस, आपके लिंक्स, आप जो सोसाइटी में हो, सोचिए आपको यू नो खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, है ना, तो आपको डॉक्टर कैसे मिलेगा। अगर
आपके साथ नेबर्स के साथ अच्छे कनेक्शन है तो आपके नेबर्स जल्दी से आ जाएंगे, अरे भाई चलो भैया शर्मा जी को क्या हो गया चलो देखने चलते हैं ना, उनके पास उनको अगर डॉक्टर के साथ कोई कॉन्टैक्ट होगा तो वो उस डॉक्टर को फोन करके लिए आपके लिए बुला लेंगे, है ना। वही सोचिए, सेकेंड कंडीशन दे रहा हूं, आपका अपने नेबर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है तो आप अगर यू नो कुछ हो भी जाए तो आपको कौन देखने आएगा यार। यही तो होता है ना, सोशल कैपिटल इसी को कहते हैं, कनेक्शंस लिंक्स अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए। अगर जितने लोगों से कनेक्शन लिंक स्ट्रांग कर रहे हो उतना आपका सोशल कैपिटल हाई होगा, समझ रहे बात, मतलब उतना प्रोबेबिलिटी है दैट यू आर सोशल, यू आर लिविंग इन अ सोशल वेलबींग रीजन। ये तो था हमारे माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर लिया। अब अगर मैक्रोस्कोपिक एक कंट्री के लेवल में देखा जाए, दो कंट्री को अलग अलग आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो कुछ कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं उसके, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक कंट्री का, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे सोशल वेलबींग रिस्पेक्टिवली अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज से ज्यादा है, ठीक है। सेक्स रेशियो इंडिया का बहुत स्क्यूड सेक्स रेशियो है, इनफैक्ट रीजन वाइज भी देख लीजिएगा तो हरियाणा का बहुत ही ज्यादा स्क्यूड सेक्स रेशियो है। तो सेक्स रेशियो क्या इंडिकेट करता है, मतलब ओवरऑल यू नो ये दिखाता है दैट जहाँ पे स्क्यूड सेक्स रेशियो है उस रीजन का जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी बढ़ती गई है, है ना। लो डिपेंडेंसी रेशियो होने से बोला जाता है दैट उसका यू नो उस रीजन का सोशल वेलबींग ज़्यादा है क्योंकि कम से कम लोग डिपेंडेंट है किसी पर, मतलब उस रीजन का जो डेमोग्राफिक डिविडेंट वाला पार्ट है, मतलब जो 16 से जो 59 ईयर्स के बच्चे लोग हैं वो लोग ज़्यादा है, इसका मतलब वो लोग ज़्यादा पैसे कमाएंगे। अब यार अगर मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो कौन चाहेगा यार मैं सोशल वेलबींग कंडीशन में ना आ रहा हूँ, ऑफकोर्स अगर मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं तो अपने ऊपर खर्चा करूंगा ही ना जिससे मैं आराम से रह सकूं, है ना। नेक्स्ट इज हाई डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर है, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ तो यू नो पैसे कहां से मिलेंगे, पैसे नहीं मिले तो नॉर्मल आप अपने जो अम्यूनिटीज है वो कैसे पूरे करोगे, मतलब आपकी सोशल वेलबिंग अच्छी नहीं होगी। अब सोशल वेलबिंग कैन बी इंश्योर्ड इन किस किस रीजन में, उसको इंश्योर किया जा सकता है अगर पॉलिटी कोई रीजन का डेमोक्रेटिक पॉलिटी हो, है ना, जैसे इंडिया का है जिसमें हर एक रीजन को हर एक तबके को अपना यू नो कोई भी चीज बोलने का हक है, मतलब अगर किसी रीजन को या फिर कोई कम्युनिटी को लग रहा है दैट मुझे यू नो ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो उसको यू नो डायरेक्टली सरकार से मांगने का हक है। तो जिस जिस रीजन में देखा गया डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ उस रीजन का सोशल वेलबींग अच्छा है। यार एग्जांपल ही ले लो ना, इंडिया ही ले लो, इंडिया और चाइना। इंडिया में कोई अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर वॉइस रेस करता है तो आराम से उसको हक मिलता है, बट वहीं चाइना ले लीजिए ऑटोक्रेटिक है, सीधा बात दबा देगा आपका, ठीक है। उसका वैसे भी कंट्रीज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करते हैं उन को भी यू नो बोला जाता है दैट वो उनके रीजन भी सोशल वेलबींग रीजन बहुत सोशल वेलबींग इंडिकेटर्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो सोशल पैरामीटर्स को देखकर ही रखा गया है। उसमें क्या बोला जाता है दैट हंगर को एंड कीजिए, ठीक है, पॉवर्टी को एंड कीजिए, उसके बाद इंश्योर कीजिए दैट यू नो वुमेन एम्पावरमेंट हो सके, इन्वायरमेंट आपका सेफ रह सके। तो यही सब ना, अगर हर कंट्रीज अगर ये सब मान रही है मतलब उस कंट्रीज का सोशल वेलबींग अच्छा, कंडीशन पैरामीटर्स अच्छा है यार, सिंपल सा बात, यही सब तो है। ये नेसेसरी क्यों है, क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम को कंजर्व करता है। अच्छा देखिए, सोशल वेलबींग में एक पैरामीटर आपने देखा था, सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल मतलब क्या है, रिलेशंस। सोचिए आपके अगर दूसरे का साथ रिलेशंस है तभी ना आप अपने बच्चों को सिखा पाओगे, चलो चलो भैया वो तेरे अंकल है जाओ प्रणाम करो पैर छू के, मतलब इनडायरेक्टली आपका वैल्यू सिस्टम भी यू नो आपके जनरेशन से आपके नीचे वाले जनरेशन में जा रहा है ना। तो तभी मतलब सोशल कैपिटल होने से ही ये वैल्यू सिस्टम भी कहीं ना कहीं कंजर्व हो सकता है। बट वहीं पर अगर आपका किसी का कॉन्टैक्ट नहीं है तो आप किसको बोलोगे दैट यार, आप अपने बच्चों को किसको बोलोगे, किसको प्रणाम करो, किसको आदाब करो, किसी को नहीं बोल पाओगे ना यार। यही सब मतलब सोशल कैपिटल होता है। नेक्स्ट इज उस रीजन में पीस प्रिवेल करता है जहां पर सोशल कैपिटल, सोशल वेलबींग जिसका जिस रीजन का अच्छा हो, सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है, जो कि हम लोगों ने वासाई डिस्कस किया और इसमें मैंने इसको एक्सप्लेन से डिस्कस किया हुआ है, ये जो लिंक में है दोस्तों अनअकैडमी में। तो अगर आप उसको, मैं तो यहां पर वीडियो इसलिए अपलोड कर दे रहा हूं जिससे वैसे लोग जानते नहीं है दैट हां भैया ये ज्योग्राफी क्लासेस के फ्री भी क्लासेस कहीं पे अवेलेबल है, इसलिए मैं इसको यूट्यूब में अच्छे से ला दे रहा हूं। बट मैं आपको जस्ट जस्ट देना चाहता हूं दैट हां भैया व्हाट एक्चुअली दीज ऑल सोशल कैपिटल्स आर, व्हाट इज सोशल यू नो वेलबींग, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसमें वो तो लेसन इसमें 30-35 मिनट के बड़े बड़े लेसन है ना, तो इसीलिए उसमें अच्छे से एग्जॉस्टिव एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त जिसको पास ज्योग्राफी ऑप्शनल एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट है दोस्तों उसको भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। सोशल वेलबींग चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं दुनिया में, कास्टिज्म, रेसिज्म, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जैसे क्या जो अभी आपको म्यांमार में देख सकते हैं, उसके बाद ISIS को लेकर यू नो वेस्ट एशिया में के रीजन में हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ही ना है, मतलब उस रीजन का सोशल वेलबींग अच्छा नहीं है। कास्टिज्म, रेसिज्म, ये सब भी एक फैक्टर है जहां पर सोशल वेलबींग अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर
आपके मन में कास्ट का फीलिंग आ गया है ना, मतलब आप एडुकेटेड नहीं हो। सिंपल सा बात है यार, कास्ट मतलब वही ना यार, कास्ट रखा क्या हुआ यार। पहले जमाने में होता था जब हम लोग को पता नहीं रहता था, जब पंडित लोग हम लोग को दिमाग ब्रेन वॉश कर देते थे, बट अभी तो ब्रेन वॉश नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें पता है दैट हम ये इंसान है, वो भी इंसान है, ही इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एक्स वाई क्रोमोजोम, आई ऑल्सो मेड अप ऑफ एक्स वाई क्रोमोजोम एंड ऑल वट एवर। अब बायोलॉजिकल फैक्टर चीज हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग वो रिलीजियस फैक्टर में यू नो ठीक है, रिलीजियस फैक्टर भी कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है, बट टू एन एक्सटेंट है ना, अभी हम लोग ज्यादातर साइंटिफिक हो गए। तो एनीवेज कोई टेंशन मत रखिए और चलिए तब फॉलो करते रहिए, मिलते हैं दोस्तों ऑन एकेडमी में, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।